आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारा दिया गया प्रश्न है, यदि x की पावर l बटे x की पावर माइनस m की पावर l की पावर 2 प्लस m की पावर 2 प्लस lm गुना x की पावर m बटे x की पावर माइनस m n और m की पावर 2 प्लस n की पावर 2 माइनस nm गुना x की पावर n बटे x की पावर 1 माइनस का n है, l है, उसके बाद n की स्क्वायर प्लस l की स्क्वायर माइनस nl बराबर है x की पावर 2 के। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। मेरा इस प्रश्न पूछा गया है कि तो k का मान क्या होगा। तो विकल्प दिए गए इस प्रकार से नीचे। सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं इस प्रकार से, x की पावर l भाग में x की पावर माइनस m, ऊपर इसकी पावर है l की पावर 2 प्लस m की पावर 2 प्लस lm गुने x की पावर m भाग में x की पावर माइनस n गुने m की पावर 2 प्लस n की पावर 2 माइनस nm। इस प्रश्न को पूरा लिख लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने इस प्रकार से लिख लिया है। अब यदि हम इसको हल करेंगे किस प्रकार से करेंगे तो लिखते हैं, यहाँ पर जो नीचे पावर है वो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो ये पहले से माइनस की है, तो आगे इसको हल करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाकर जुड़ जाएगी यानी प्लस हो जाएगी। तो होगी इस प्रकार से, होगी x की पावर l प्लस m गुना में जो ऊपर पावर दी गई है वो है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस lm, यहाँ पर गुना में x की पावर m प्लस n, इसकी पावर आ जाएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस nm। इसी प्रकार आगे और हल कर दें, इस प्रकार से आ जाएगा हमारा। अब यदि इसको आगे हल करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पावर यहाँ पर है और ऊपर पावर है यानी ये दोनों क्या हो जाएगी, पावर गुना हो जाएगी। तो ये हमारे इस प्रकार से बन जाएगा, आगे x की पावर आ जाएगी ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे l प्लस m गुना में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस lm, इसी प्रकार इनको भी लिख देंगे, ये हमारे इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम इसको आगे हल करेंगे, ये जो हमारे आधार है वो समान है, ये भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो जब किसी पद में आधार समान हो तो उसकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इन्हें जोड़ लेते हैं इस प्रकार से, यानी इसका एक आधार बन जाएगा x और ये सारी ऊपर जो पावर है वो जुड़ जाएगी। इस प्रकार से सबसे पहले l प्लस m गुने में ये दिया गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस में lm, उसके बाद ये जोड़ में आ जाएगी पावर m प्लस n, ये भी आ जाएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस nm या mn, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में एन एल एन प्लस एल एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस का एन एल, और यहाँ पर आ जाएगा इसकी पावर 2 के। यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस का एन एल है ऊपर, जो कि गलती से प्लस का लिखा गया था। उसके बाद यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पावर है तो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है हमारी, ये दो एक बार आधार को छोड़ देते हैं, पावरों को बराबर ले लेते हैं, तो लिखेंगे इस प्रकार से, इसे इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसको, यहाँ पर L है तो इसका गुना यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम है इसका, यानी कि इन तीनों जो पद दिए गए हैं इनका गुना कर लेंगे आपस में, जो कि इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि हमारे इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले एल क्यूब दो एम स्क्वायर एल प्लस दो एल स्क्वायर एम एम क्यूब प्लस एम क्यूब, उसके बाद प्लस एन क्यूब माइनस का दो एन स्क्वायर एम माइनस का दो एम स्क्वायर एन प्लस एल क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस का दो एन स्क्वायर एल माइनस का दो एल एन स्क्वायर एल स्क्वायर एन बराबर दो के। अब इसे हम हल करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, दो एल की क्यूब प्लस दो एम की क्यूब प्लस दो एन की क्यूब माइनस का दो एम स्क्वायर एल माइनस का दो, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, ये यहाँ पर भी दो एम स्क्वायर सॉरी एम एल स्क्वायर माइनस में दो एम स्क्वायर एन माइनस में दो एन स्क्वायर एम माइनस का दो एन स्क्वायर एल और माइनस का दो एल स्क्वायर एन बराबर है दो के। सभी में दो कॉमन है तो इसमें दो को कॉमन लेकर काट देंगे, यहाँ पर भी दो है, 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 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसी प्रकार इन सभी में दो दो है और यहाँ पर भी दो है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे के का मान कितना आ जाएगा,
एल की क्यूब प्लस एम की क्यूब प्लस एन की क्यूब प्लस एम स्क्वायर एल प्लस एल स्क्वायर एम माइनस एम स्क्वायर एन माइनस एन स्क्वायर एम माइनस एल स्क्वायर एन माइनस एन स्क्वायर एल, ये हमारा के का मान आ जाएगा जो कि हमारा विकल्प तीन में दिया गया है, तथा हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीन। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।